अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में बनाने जा रहे हैं चावल के स्नैक्स। तो ये बचे हुए चावल हैं, ये 2 कटोरी चावल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं ये एक ब्रेड तोड़ के डाल देना है, इस तरह से ये पार्ट आपको निकाल देना है। ये देखिए ये पार्ट हमने निकाल दिया इसका। इसे मैं इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर देना है। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड बहुत ही मजे की स्नैक्स बनते हैं चावल के। तो इस तरह से आप बच्चों को स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं, तो उनको भी ये स्नैक्स पसंद आएगा खाने में। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें ब्रेड मिक्स किया है। तो ये फ्रेंड 2 हरी मिर्ची हमने इसको चॉप कर दिया, इसमें हमें ऐड कर देना है। इतनी में हमें थोड़ी सी हरी धनिया भी ऐड कर देना है। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर देना है इतनी में। 1 चम्मच अरारोट भी हमें इसमें ऐड कर देना है बाइंडिंग के लिए। 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर देना है हमें। 1 चम्मच हमें इसमें तेल भी ऐड कर देना है, आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तरह से हमें मसल मसल की इसे 2 शेप में ले आना है। देखिए फ्रेंड्स ये जुड़ने लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 2 शेप में बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड हाथों में इस तरह से आपको तेल लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठा के हमें इस तरह से हमें रोल शेप में बना लेना है। आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको रोल शेप में बनाना है। दोनों हाथों से इस तरह से आप फ्लैट करते हुए इस तरह से आप रोल बना लीजिए। आसान है ये स्नैक्स बनाना और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से आपको रोल बना लेना है। चलिए सारे रोल हम इस तरह से बना। तो देखिए फ्रेंड्स सारे रोल हमने बना लिए हैं। तो चलिए इनको हम फ्राई करेंगे। हमने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। चलिए इसमें एक एक करके हम ये रोल ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स सारे रोल इसी में आ जाएंगे एक बार में ही। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है इसे। देखिए फ्रेंड्स एक बार में सारे रोल आ चुके हैं। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। फ्रेंड इस तरह से बचे हुए चावल का आप यूज कर सकते हैं, उसे स्नैक के तौर पर बना सकते हैं। चाहे आप कटलेट बना लें या पकौड़ी शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चावलों का। फ्रेंड इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, 2 से 3 मिनट इसे और लगेगा फ्राई होने में। तो देखिए फ्रेंड ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी एकदम गोल्डन हो चुका है। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। सारे में इसी तरह से बाहर निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स सारे रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं, आपको हम तोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड इस तरह से आप चावल का यूज करके कोई भी स्नैक्स बना सकते हैं आसानी से घर पर ही। बच्चे हो या बड़े हो ये स्नैक्स आपको पसंद आने वाला है। फ्रेंड आप अपने घरों में जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।